आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शेख आमिना सिराजुद्दीन। स्टैंडर्ड टू, जमात दुआ। सब्जेक्ट उर्दू। मजमून उर्दू। आपकी किताब दूसरी जमात की उर्दू की किताब बाल भारती। आज हम बाल भारती जो उर्दू किताब है वो पढ़ेंगे। उसमें जो पहली कहानी है पेज नंबर 1 सफा नंबर 1 पर कहानी है। चालाक लोमड़ी, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आपको कहानी सुनना पसंद है बच्चों? सभी को अच्छा लगता है कहानी सुनना, आपको भी पसंद है ना? कहानियां सुनना सभी को पसंद है। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और वो कहानी बहुत ही मजेदार कहानी है। उस कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी, कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी, हम ये कहानी सुनने वाले हैं और मैं सुनाऊंगी आपको चालाक लोमड़ी की कहानी। चालाक यानी क्या है? किसी की झूठी तारीफ कर देना, अपना काम हो जाए इसके लिए सामने वाले की झूठी तारीफ कर देना, इस तरह से अपना काम निकालना, इसे कहते हैं चालाकी, होशियारी। और चालाक वो होते हैं जो दिमाग से काम लेते हैं। तो हम अभी ये कहानी देखेंगे भी और सुनेंगे भी कि लोमड़ी ने क्या चालाकी की और किसके साथ की। कि
किसी कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। एक कौवा था जिसको कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिल गया और वो चोंच में उसे लेकर उड़ गया। वो उसे चोंच में दबाकर उड़ा और एक पेड़ की शाख पर जा बैठा। तो किसको रोटी मिली बच्चों? कौवे को रोटी मिली ना? हाँ, तो कौवे को रोटी मिली और वो चोंच में दबाकर उड़ गया और उड़ने के बाद कहाँ बैठा? एक पेड़ की शाख पर बैठ गया। रोटी मिलने के बाद चोंच में दबाकर उड़ा और एक पेड़ की शाख पर बैठ गया। एक लोमड़ी की नजर कौवे पर पड़ी। तो लोमड़ी ने देखा कि पेड़ पर एक कौवा बैठा है और उसके चोंच में रोटी का टुकड़ा है। तो लोमड़ी जो थी वो भूखी थी, उसकी नजर रोटी पर थी, रोटी के टुकड़े पर थी। क्या किया? उसने सोचा कि ये टुकड़ा कौवे से किसी तरह हासिल किया जाए। इसने सोचा, लोमड़ी ने, जो कौवे के चोंच में रोटी का टुकड़ा था उसको देखकर जो लोमड़ी थी वो ललचाई, उसके मुंह में पानी भराया, वो भी भूखी थी। उसने सोचा कि ये टुकड़ा कौवे से किस तरह हासिल किया जाए। उसने क्या तरीका निकाला? वो कौवे से बोली, मियां कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार हैं, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, मेरा दिल चाहता है तुम्हारा गाना सुन। तारीफ कर रही है वो कौवे की। क्या सचमुच कौवा इतना खूबसूरत है? हाँ, आप बताओ, क्या उसकी आवाज बहुत अच्छी है? नहीं, उसकी झूठी तारीफ कर रही है ना? कौवे की झूठी तारीफ कर रही है। तो उसकी तारीफ सुनकर कौवे ने क्या किया? वो उसका गाना सुनना चाहती थी ना, लोमड़ी कौवे का गाना सुनना चाहती थी, और कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल गया। कोई भी अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल जाएगा, सभी को अपनी तारीफ पसंद है। तो कौवा भी खुश हो गया और कौवे ने खुश होकर गाना गाने के लिए चोंच खोली ही थी, रोटी का टुकड़ा नीचे जा गिरा, है ना? जैसे ही उसने चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा फौरन नीचे गिरा। वो तो एकदम खुश था, उसे देखा भी नहीं। और लोमड़ी ने ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, सीधा टुकड़ा उठाकर लोमड़ी ये जा वो जा। देखा, जैसे ही रोटी का टुकड़ा मिला, लोमड़ी ने ना यहाँ देखा ना वहां देखा, सीधा मुंह में ली ढाई और सीधा वहां से चली गई, और बेचारा कौवा मुंह देखता रह गया। सही है ना? देखो, कौवा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ इसी तरह चिल्ला सकता है। तो देखा बच्चों, लोमड़ी कितनी चालाक थी, इस तरह से रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए कौवे की झूठी तारीफ की। उसने अपनी चालाकी से कौवे की तारीफ की और रोटी का टुकड़ा हासिल किया। तो तारीफ उसने क्यों की? रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए, ये उसकी चालाकी है। और हम इससे क्या सीखते हैं? खुशामद से खुश होने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं, है ना?
हमें हमको समझना चाहिए कि सामने वाला हमारी सच्ची तारीफ कर रहा है या झूठी तारीफ कर रहा है। चलिए अब हम इसी कहानी देखते हैं, चालाक लोमड़ी। लोमड़ी तो चालाक होती है, ये उसकी खासियत है, वो दिमाग से काम लेती है और अपना काम निकालती है। किसी कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। अब मुझे बताओ ये रोटी का टुकड़ा किसको मिला? रोटी का टुकड़ा कौवे को मिला। हाँ, रोटी का टुकड़ा कौवे को मिला। किसी कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया, वो उसे चोंच में दबाकर उड़ा और एक पेड़ की शाख पर जा बैठा, है ना? अगर कौवे को रोटी का टुकड़ा मिलेगा तो वो कहाँ रखेगा? अपने चोंच में। उसने भी क्या किया, चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ा और कहाँ जाकर बैठा? पेड़ की शाख पर। देखो, कौवा पेड़ की शाख पर रोटी का टुकड़ा जोश में दबाकर बैठा है। कहाँ बैठा है? पेड़ की शाख पर बैठा है और उसकी जोश में क्या है? रोटी का टुकड़ा है। तो कौवा रोटी का टुकड़ा जोश में दबाकर उड़ा और कहाँ जाकर बैठा? हाँ, सही है, कौवा पेड़ की शाख पर जा बैठा। क्या हुआ? अब क्या हुआ आगे? कौवा जब पेड़ की शाख पर बैठ गया तो एक लोमड़ी की नजर कौवे पर पड़ी। उसने सोचा कि ये टुकड़ा कौवे से किस तरह हासिल किया जाए। किसकी नजर कौवे पर पड़ी? लोमड़ी की नजर कौवे पर पड़ी। हाँ, लोमड़ी की नजर कौवे पर पड़ी और उसकी नजर उस रोटी के टुकड़े पर भी पड़ी और लोमड़ी जो थी वो भूखी थी। उसके मुंह में पानी आ गया रोटी का टुकड़ा देखकर और उसने सोचा कि कौवे से ये टुकड़ा हासिल किया जाए। कौन सा टुकड़ा? रोटी का, और खाया जाए। इसलिए उसने क्या सोचा, वो रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए उसने क्या सोचा? उसने दिमाग से काम लिया और उसने सोचा कि ऐसी चालाकी करनी चाहिए कि वो रोटी का टुकड़ा मुझे मिल जाए। उसने सोचा और उसके दिमाग में एक तरकीब आई, एक आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं कौवे की क्या करती हूँ, तारीफ करती हूँ। थोड़ी झूठी तारीफ सुनकर तो कोई भी खुश हो जाता है। उसने क्या सोचा कि मैं कौवे की झूठी तारीफ करूंगी और वो रोटी का टुकड़ा हासिल करूंगी और उसने कौवे की तारीफ करना शुरू किया। वो कौवे से बोली, मियां कौवे तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार हैं, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, मेरा दिल चाहता है तुम्हारा गाना सुनूं। उसने किस तरह तारीफ की? वो बोली, कौवे मियां तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार हैं,
तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, मेरा दिल चाहता है तुम्हारा गाना सुनूं। अब कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि वो सब कुछ भूल गया कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, वो भी भूल गया। उसकी आवाज अच्छी थी, वो भी भूल गया। यानी लोमड़ी ने चालाकी ये की कि कौवे की तारीफ की, और अपनी तारीफ सुनकर कौन खुश नहीं होता है, सभी खुश होते हैं। कौवा भी खुश हो गया। किस तरह लोमड़ी ने उसकी तारीफ की? हाँ, कौवे की झूठी तारीफ की। और क्या कहा? हाँ बिल्कुल, इसी तरह उसने कौवे की झूठी तारीफ की और कौवा खुश हो गया और खुशी के मारे वो गाना गाने लगा। अब कौवा जो है खुशी के मारे क्या किया, गाना गाने लगा। उसने सोचा कि अरे लोमड़ी मेरी कितनी तारीफ करी है, उसको मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ और उसको मेरी आवाज बहुत पसंद है, इसलिए वो मेरा गाना सुनना चाहती है, तो क्यों ना मैं इसको अपना गाना सुनाऊं। और उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली तो क्या हुआ बच्चों, क्या होगा? आप सोच के बताओ क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा। पहले आप ये बताओ कि कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुश हुआ या नाराज हुआ? हाँ, कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल गया। और क्या किया उसने? हाँ, कौवा खुशी से गाना गाने लगा। अब क्या होगा? कौवे ने गाना गाने के लिए चोंच खोली ही थी कि रोटी का टुकड़ा नीचे जा गिरा। टुकड़ा उठाकर लोमड़ी ये जा वो जा, कौवा बेचारा मुंह तकता रह गया। तो देखा बच्चों किस तरह लोमड़ी ने चालाकी से वो रोटी का टुकड़ा हासिल किया, उसकी तारीफ की झूठी, कौवा खुश हो गया, और कौवे ने जैसे ही गाना गाने के लिए चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा, लोमड़ी को थोड़ी गाना सुनना था, उसको तो रोटी का टुकड़ा हासिल करना था। अब जैसे ही रोटी का टुकड़ा गिरा, लोमड़ी ना यहाँ देखा ना वहां देखा, टुकड़े को उठाया और वहां से चलती बनी, फौरन वहां से गाया, और बेचारा कौवा मुंह देखता रह गया। वो तो समझा कि लोमड़ी मेरा गाना सुनना चाहती इसलिए मेरी तारीफ करी है। अब उसको समझ में आ गया कि ये सब लोमड़ी जो है रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए कर रही थी, है ना प्यारे बच्चों? अब आप ही बताओ कि जब कौवे ने गाना गाने के लिए चोंच खोली तो क्या हुआ? भाग गई। वेरी गुड। तो हमको इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? खुशामद से खुश होने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं, यानी जो चीज हमें नहीं है लेकिन सामने वाला हमारी उस तरह की तारीफ कर रहा है, यानी वो झूठी तारीफ कर रहा है, हमारी खुशामद कर रहा है, यानी हमसे कुछ उसको लेना है लेकिन हमसे वो चालाकी से लेना चाहता है, इसलिए वो हमारी
झूठी तारीफ कर रहा है, हमारी खुशामद कर रहा है, तो हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको देखना चाहिए कि हमें वो चीज है या नहीं है। तो खुशामद से खुश होने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं, वरना हम भी नुकसान उठाएंगे। तो बच्चों हमेशा याद रखो, कोई भी अगर तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है तो तुम्हारी झूठी तारीफ करे। ये लोमड़ी की तरह चालाकी और मक्कारी है, इसीलिए हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमारी झूठी खुशामद करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं। देखा किस तरह से रोटी मुंह में पकड़ के लोमड़ी यहाँ से जा रही है, उसको तो सिर्फ रोटी ही चाहिए था। और कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया, उसके तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ, लोमड़ी को मेरा गाना पसंद था या रोटी का टुकड़ा, वो यही सोच सोच के परेशान हो रहा है। और बाद में खुद ही समझ गया कि लोमड़ी को मेरा गाना नहीं पसंद था, मेरे पर नहीं अच्छे लगते थे उसे, बल्कि उसको वो रोटी का टुकड़ा चाहिए था, इसलिए उसने मेरी झूठी तारीफ की चालाकी से और उस वो रोटी का टुकड़ा हासिल किया और रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गई। अब मैं आइंदा इस तरह कभी भी लोमड़ी की चालाकी में धोखे में नहीं आऊंगा, ऐसा उसने सोचा। अच्छा बच्चों, अभी आपने कहानी सुन ली है, अब मैं कुछ आपको पूछती हूँ, आप उसका जवाब दो। आपने इस कहानी को सुना, समझा, अब अपने दिमाग पर जोर दो कि तुमने क्या सुना, क्या समझा। अब मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब देना। ओके बच्चों, कौवा कहाँ जाकर बैठा, जब कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला और वो रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर उड़ा, उसके बाद वो कहाँ जाकर बैठा, कौवा कहाँ जाकर बैठा, बोलो बच्चों। हाँ सही है, एकदम सही है। आप दूसरा बताओ कि लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए क्या किया। जो रोटी का टुकड़ा कौवे की चोंच में था उसको हासिल करने के लिए लोमड़ी ने क्या किया। हाँ, लोमड़ी ने कौवे की झूठी तारीफ की, रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए लोमड़ी ने कौवे की झूठी तारीफ की। बाप मुझे बताओ कि लोमड़ी ने कौवे की तारीफ किस तरह की, लोमड़ी ने कौवे को क्या कहा, किस तरह उसकी तारीफ की। हाँ बिल्कुल, इसी तरह लोमड़ी ने कौवे की तारीफ की। वेरी गुड, शाबाश। ये देखो, तुमने जो पहले कहा था कि कौवा शाख पर जाकर बैठा, एकदम सही। उसके बाद कौवे ने लोमड़ी ने कौवे की झूठी तारीफ की। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, तो लोमड़ी ने कौवे की झूठी तारीफ की, लोमड़ी से अपनी तारीफ सुनकर कौवे पर क्या असर हुआ। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से
जो है अपनी तारीफ सुनकर क्या हुआ, खुश हो गया। हाँ, कौवा जो है वो खुशी से गाना गाने लगा। वेरी गुड, शाबाश। अब गाना गाने के लिए चोंच उसने खोली और रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरा, सही है ना? तो आप मुझे बताओ, कौवा क्यों मुंह देखता रह गया? कौवा क्यों मुंह देखता रह गया? तो गाना गाने लगा ना, और लोमड़ी तो खुश होना चाहिए उसका गाना सुनकर, क्योंकि उसको तो गाना सुनना था ना कौवे का। तो इसके लिए उसको तो कौवे की आवाज पसंद थी, इसलिए उसे गाना सुनना था। तो जब कौवा गाना गाने लगा तो ऐसा क्या हुआ कि कौवा मुंह देखता रह गया? शाबाश, आपने सारे जवाब सही दिए। देखो इस तरह से कौवे ने मुंह अपनी चोंच खोला और रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा और लोमड़ी उसको मुंह में दबाकर भाग गई और कौवा मुंह देखता रह गया। इस कहानी का अंजाम बताओ, यानी इस कहानी का अंजाम क्या हुआ? तो यही हुआ ना कि लोमड़ी जो है वो रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गई। हाँ बिल्कुल सही। तो कहानी जो है यहाँ खत्म होती है, लेकिन हमको इस कहानी से क्या सीखना है कि हमको दूसरों की झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना है, क्योंकि अगर हमारी कोई झूठी तारीफ करे, हमारी खुशामद करे और हम खुश हो जाए तो हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी कोई तारीफ करे तो आपको देखना है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। अच्छा, आपको क्या करना है, इस कहानी को अपने लफ्जों में बयान करना है। तो ये कहानी आपने देखी सुनी। अब आपको एक काम दिया जा रहा है कि इस कहानी को अपने लफ्जों में बयान करना है और वो कहानी रिकॉर्ड करना है और अपनी क्लास टीचर को भेजना है, ठीक है ना? चालाकी पर कोई दूसरी कहानी तलाश करके पढ़ो और सुनाओ, और इसी तरह और भी कोई कहानी चालाकी पर होगी उसको आप पढ़ो और सबको सुनाओ, ठीक है मेरे बच्चों? और बहुत ही अहम बात, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो उसको लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको इस पर आए हुए अपलोड किए हुए वीडियो फौरन मिल जाएंगे और आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है, लाइक और शेयर करो, ठीक है ना प्यारे बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। हम दूसरी कहानी लेकर आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। आज की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा, अभी कहानी आप घर में भी सुनाइए और मैं अगली कहानी लेकर कल फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज। जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर
बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे इस तरह से ये निशान दिया गया है आपको क्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसके बाद वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक दी गई है, एक फॉर्म दिया गया है गूगल लिंक की, और वो फॉर्म है फीडबैक फॉर्म, यानी आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कुछ उसमें सवाल पूछे गए हैं, आप उसके जवाब जो है दे सकते हैं। बहुत ही आसान है, तो आपको वो जवाब देना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों? और सारे ऑप्शन से आपको सिर्फ क्लिक करना है सही जवाब पर। तो आप ये जो निशान दिखाई दे रहा है उसी को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स है लिखा हुआ है, उसी के नीचे वो फीडबैक फॉर्म की लिंक दी गई है, वो गूगल फॉर्म की लिंक है, आप उसको ओपन कीजिए। और ये एक तालीमी जायजा है, आपको ये वीडियो किस कैसा लगा और आपके तासुरात क्या है, तो हम जो है जानना चाहते हैं, इसलिए ये लिंक दी गई है। तो आप जरूर उसको उस फॉर्म को फिल कीजिए, उस फॉर्म को भरिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों?